दीपों का त्योहार दीपोत्सव के पूर्व धनतेरस के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी द्वारा दीपोत्सव सह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन पटना सिटी के बेलवरगंज में किया गया। इस आयोजन में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और अलग अलग तरह के रंगोली बनाते नजर आए। वहीं इस रंगोली प्रतियोगिता में आए छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में अच्छी रंगोली बनाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी के अध्यक्ष और सचिव राजेश वल्लभ समेत अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। स्वर्ण रानी के साथ टिप्पणी की रिपोर्ट। क्या कुछ संदेश देना रंगोली से? रंगोली एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान दिवाली पे बनाता है और इसे बनाते वक्त लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं सारे बच्चों को रंगोली बनाते वक्त काफी ज्यादा मजा आता है। रंगोली बनाते वक्त हम लोग कई सारे कलर्स का यूज करते हैं जिससे हम लोग अपने इमोशंस को दर्शाते हैं। इससे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे मन में असली मकसद है क्या और इससे हम लोग अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। किसी के पास ड्रॉइंग की क्रिएटिविटी है तो किसी के पास सही कलर चूज करने की क्रिएटिविटी है। ऐसे ही ढेर सारी क्रिएटिविटी हम लोग रंगोली में दिखा सकते हैं। इसमें ये भी है कि कई सारे लोग जब आपस में मिलकर रंगोली बनाते हैं तो हमें एक दूसरे के विचार जानने को मिलते हैं। क्या नाम हो? ये शशवी स्मारिका। कौन क्लास की छात्रा? क्लास 8। सिटी के द्वारा एक प्राचीन और उत्सव का त्योहार दीपोत्सव दीपावली के शुभ अवसर पर आज रंगोली प्रतियोगिता दीप प्रतियोगिता और घरौंदा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे रविशंकर प्रीत जी रोटेरियन रविशंकर प्रीत जी हैं जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है और हमारे साथ हमारे अभिभावक और रोटरी क्लब पटना सिटी के सम्मानित सचिव राजेश वल्लभ सर है। और बच्चों का आप लोग देख रहे हैं उत्साह देखते ही बनता है। सभी बच्चे प्रफुल्लित होकर करके अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और रोटरी क्लब पटना सिटी इनके कलाओं को निखारने में एक अविस्मरणीय और अकल्पनीय योगदान दे रहा है। मैं संतोष कुमार शर्मा अध्यक्ष रोटरी क्लब पटना सिटी के द्वारा आज दीपोत्सव रंगोली प्रतियोगिता और साथ साथ बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार स्वरूप सर्टिफिकेट के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे होली विजन स्कूल के बच्चे रोटरी क्लब पटना सिटी के द्वारा आज रंगोली की प्रतियोगिता में सबको सम्मिलित हैं जिसमें हमारे सारे रोटरी के सदस्य लोग हैं उनका और खास करके आज न्यूज चैनल जो आपका क्लाइंट रिपोर्ट है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि धनतेरस पर्व का कि आज ऐसे मौके पर आप लोग हम लोग के बीच में आए और सदा आप लोग का सहयोग हम लोग को मिलता रहा है। इसी तरह से हम लोग का जो भी कार्यक्रम हो समाज के बीच तक पहुँचे यही आप लोग सबसे अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस मौके पर आप लोगों ने हम लोग को साथ दिया। आज गिरिराज उत्सव पैलेस में दीपावली दीपोत्सव के अवसर पर एक रंगोली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में होली विजन स्कूल के हमारे होनहार बच्चे बच्चियां शामिल हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर रंगोली यहां पर बनाया जा रहा है। कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम के में हमारे साथ पटना सिटी के तमाम रोटेरियंस और सभी यूनिट्स मौजूद हैं हमारे क्लब के। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें तीज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल रसलपुर गया बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।